हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 अक्टूबर के करंट अफेयर। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ इस वीडियो के अगर आपको PDF चाहिए या फिर आप इसके MCQ सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं एंड क्वेश्चंस भी सभी सब्जेक्ट के सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी कल तो गांधी जयंती मनाई गई है और गांधी जयंती इसका क्वेश्चन नहीं आया, ना तो कल के वीडियो में ना ही आज आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा कि गांधी जयंती पर नितिन सर ने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें गांधी जी से रिलेटेड जो करंट के क्वेश्चंस होंगे उनको और जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनको सभी को समराइज करके एक जगह पे पढ़ाया गया है। तो आप डेली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा या फिर Study 91 गांधी जयंती सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ये तो जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी जानना होगा कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। और जैसे इस बार जो गांधी जयंती मनाई गई है वो कौन से नंबर की है, 150वीं, और लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती है, 115वीं। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को समराइज करके उस वीडियो में पढ़ाया गया है, एक बार आप जरूर विजिट कर लीजिएगा। ओके, इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि हमारी टेट की क्लास शुरू हो चुकी है। तो जो भी आपके जानने वाले हों टेट की क्लास, यूपी टेट हो, सी टेट हो, वो पूरी डिटेल क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसके लिए टाइम टेबल भी बना दिया गया है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक को। INS खंडेरी किससे संबंधित है? तो INS खंडेरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट 75 के तहत एक पनडुब्बी से संबंधित है। ठीक है, किसे? प्रोजेक्ट 75। अब इसकी कुछ स्पेशलिटी है, जैसे कि यह 12,000 किलोमीटर तक बिना आवाज़ किए ट्रेवल कर सकती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर इसको कहीं भी रखा जाए तो वहाँ पे दुश्मन इसे नहीं पता लगा पाएंगे कि कोई सबमरीन या कोई भी पनडुब्बी नीचे है। इसके अलावा खंडेरी को टाइगर शार्क भी कहते हैं। ठीक, प्रोजेक्ट 75 के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि असम के किस जिले ने प्लांट्स फॉर प्लास्टिक अभियान शुरू किया? ठीक, अच्छा, प्लांट फॉर प्लास्टिक, प्लास्टिक प्रदूषण की अगर हम लोग बात करें तो इस समय मेजर इश्यूज़ में से एक है प्लास्टिक प्रदूषण। और 2 अक्टूबर जो कि कल मनाया गया है, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट है, एक है रेलवे विभाग हमारा और दूसरा है एयर इंडिया। इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया कि 2 अक्टूबर को हम लोग क्या करेंगे, 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर देंगे, उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा रेलवे विभाग में। और अभी असम सरकार ने भी इसकी घोषणा किया है कि हम क्या करेंगे, प्लांट्स फॉर प्लास्टिक अभियान शुरू करेंगे। इसको कहाँ पे शुरू किया गया है, तो बंगाई गांव में। कहाँ पे? बंगाई गांव में इसको शुरू किया गया है, याद रखिएगा। इसके तहत किया क्या जाएगा, यहाँ पे प्लास्टिक का संग्रहण किया जाएगा और लोगों को अपने घरों, दफ्तरों और शिक्षा संस्थानों से प्लास्टिक को हटाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कोई यदि इस अभियान के तहत कोई भी व्यक्ति म्युनिसिपैलिटी को 1 किलोग्राम प्लास्टिक जमा करता है तो इसके बदले उस व्यक्ति को रोपाई के लिए एक पौधा मुफ्त में दिया जाएगा। अपने आप में आप खुद सोचिए कि कितनी अच्छी स्कीम है ये। हालांकि इससे देखिए 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो इधर से हमारा प्लास्टिक पोल्यूशन भी समाप्त हो रहा है, साथ ही साथ पेड़ लगाने से हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो ये योजना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ठीक, आप प्लास्टिक को जैसे बैन करना ना, तो कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव तरीका, जैसे होता क्या है, हम किसी साइट पे अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो वो हमें इतने ऑफर्स दे के रखते हैं ना कि जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती वो भी हम ऑफर की वजह से परचेज कर लेते हैं। तो अगर एक्चुअल में गवर्नमेंट चाहती है कि हम इंडिया को प्लास्टिक पोल्यूशन फ्री करें तो उन्हें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ लालच देना होगा। देखिए समझदारी तो सबके अंदर कूट के भरी है, लेकिन अभी तक प्लास्टिक पोल्यूशन कम नहीं हो पाया। ठीक, तो अच्छा आप बताइएगा आपके हिसाब से ऐसा क्या करना चाहिए जिससे धीरे धीरे प्लास्टिक पोल्यूशन समाप्त हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, हाल ही में विजय खोटे का निधन हुआ, वे किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े हुए हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप आई थिंक समझ गए होंगे ये कौन है, ये शोले का, अरे वो कालिया है ना, पूछता है ना गब्बर कितने आदमी थे, तो ये वही कालिया है। ठीक, तो अभी ये बात आती है कि ये किस क्षेत्रीय सिनेमा से थे, तो ये मराठी क्षेत्रीय सिनेमा से थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, 30 सितंबर को इनका निधन हो गया है। ठीक है,
शोले फिल्म के हैं ये, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर के हमारे 2 इम्पॉर्टेंट डेज हैं, जैसे एक तो हमारा कॉफ़ी डे है और एक है वृद्ध दिवस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहीं पे क्यों बता रही हूँ, याद रखिएगा ना, जब भी आपके घर में कोई वृद्ध होगा तो आप देखते होंगे कि उनको चाय बहुत पसंद होगी, तो वही चाय से कॉफ़ी कर लीजिए, ठीक है। तो वृद्ध दिवस और कॉफ़ी दिवस दोनों कब है? 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो ऑब्वियस सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के द्वारा इसकी शुरुआत 2015 में इटली के मिलान में किया गया था, ठीक है। मतलब पहली बार कॉफी दिवस कहां मनाया गया था? इटली के मिलान में। और बात आती है भारत की, तो यहाँ से देखिए मैं क्यों कहती हूँ कि आपको सिर्फ एमसीक्यू पढ़ना सही नहीं है, आप हमेशा डिटेल पे फोकस करिए। अभी देखिए यहाँ पे आपको कितनी चीज़ें पता चलेंगे, जैसे यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन ये भी पढ़ लिया कि भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है, ठीक। याद कैसे करेंगे? एक दिन में भैया कितना चाय पीते हो? चाय कॉफ़ी तो 5-6 पी लेते हैं नॉर्मली, ठीक। तो याद कर लीजिए, भारत विश्व का कौन से नंबर का कॉफ़ी उत्पादक देश है? 6ठा कॉफ़ी उत्पादक देश है। और भारत विश्व की कुल कितने % कॉफ़ी का उत्पादन करता है? सिर्फ 4%। तो आगे के 5 कौन है? नंबर 1 पे ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील में कहवा की खेती होती है। फिर हमारा वियतनाम, थर्ड है हमारा कोलंबिया, एंड देन हमारा इंडोनेशिया और इथियोपिया। ये 5 ऐसे हैं जो कि भारत से पहले कॉफ़ी का उत्पादक देश हैं, ठीक है। अब बात आती है, चलो हमने ये पढ़ लिया कि भारत तो 6वें नंबर पे है, लेकिन भारत में जो राज्य हैं उनमें पहले नंबर पे कौन है? तो नंबर 1 पे है कर्नाटक। कर्नाटक में 71% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आपको पता होगा कि कुछ कॉफ़ी थे, 5 कॉफ़ी को एक साथ GI टैग दिया गया था, मैंने आपको बताया भी था, और यही आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, वे कौन कौन से कॉफ़ी हैं जिनको GI टैग दिया गया है। अगर हम लोग बात करें कि भारत जो भी कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है उसका सबसे बड़ा खरीदार कौन है? इटली है सबसे बड़ा खरीदार, और यहीं से शुरुआत हुई थी कॉफ़ी दिवस मनाए जाने की। उसके बाद है रूस, फिर है जर्मनी। भारत कौन से टाइप की कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है? तो रोबस्टा कॉफ़ी और अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन भारत सबसे ज़्यादा करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने आधिकारिक रूप से कितने पर्यावरण चेंज मेकर्स को UN चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2019 और यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया है? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड आपने लास्ट ईयर भी सुना था कि मोदी जी को दिया गया था यह अवार्ड, ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ मोदी जी और इमैनुअल मैक्रों को। क्यों? क्योंकि इन्होंने ISA के लिए, ISA की शुरुआत किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है। इसका उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, देशों को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे यह अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है? कुल 12 लोगों को दिया गया है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए एफर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12 लोग ही एफर्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन ये जो 12 लोग हैं इनका एफर्ट काफ़ी मायने रखता है। अगर हम लोग बात करें तो UN द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। हर साल सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के उत्कृष्ट नेताओं को यह दिया जाता है जिनके कार्यों को पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक। पहली बार यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कब दिया गया था? 2017 में दिया गया था। और इस बार चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया? तो कोस्टा रिका गणराज्य की को नीति नेतृत्व की श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया। इसके पहले 2018 में किसे दिया गया था? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। नेक्स्ट हमारा, किस मंत्रालय ने शोध सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? शोध सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है महिला एवं, यहाँ पे देखिए एक वर्ड थोड़ा सा मिसिंग है, आप लोग वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है, यहाँ पे होगा शोध शुद्धि, तभी मैं कहूँ क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा क्यों लग रहा है। क्या है? शोध शुद्धि सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो किसने किया है ये? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। अब बात आती है कि ये किससे संबंधित है? तो इसको 21 सितंबर को लॉन्च किया गया था और यह संबंधित है साहित्यिक चोरी निरोधी से, मतलब जो साहित्य की चोरी की जाती है, किसी का कंटेंट चुरा लिया जाता है, तो यह उसी से संबंधित है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि किसी लेखक या
स्वतंत्रता के मूल विचार, भाव और भाषा का अवैध प्रकाशन एवं उस पर किसी अन्य लेखक द्वारा दावे से इसका संबंध है। साहित्यिक चोरी को अकादमिक बेईमानी और पत्रकारिता की नैतिकता के विरुद्ध माना जाता है। तो इतना आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए कि शोध शुद्धि सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। किस लिए इसको लॉन्च किया गया? साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए। ठीक, जैसे डार्क नेट का भी कल केरल ने प्रयोग किया था, किस लिए? ऑनलाइन जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको खत्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व में वृद्धजन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, मैंने आपको बताया है। क्यों? क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को समाज द्वारा सम्मान देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। अरे कोई कहते हैं ना कि बाल धूप में नहीं सफ़ेद हुए, कुछ एक्सपीरियंस लिया गया, कुछ किया गया तब जाके सफ़ेद हुए। तो ये जो कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 14 दिसंबर 1990 में। ठीक, और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? द जर्नी टू एज इक्वालिटी। भारत की बात करें तो भारत में 2011 की जनगणना में बताया कि देश में वृद्धों की संख्या कितनी है? 10 करोड़ पार करने वाली है, मतलब 9 से 10 के बीच में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य में पुष्प उत्सव बतुकम्मा शुरू हुआ है? तो ये पुष्प उत्सव है जो कि शुरू हुआ है तेलंगाना में। कहाँ पे शुरू हुआ है? तेलंगाना में बतुकम्मा उत्सव शुरू हुआ है। कब? 28 सितंबर से शुरू है और यह 9 दिन तक चलेगा। इस उत्सव को मानसून ऋतु के अंत और शीत ऋतु के ठीक पहले मनाया जाता है। यह किसका त्यौहार है? फूलों का त्यौहार है, जिसे पारंपरिक रूप से राज्य की महिलाओं द्वारा कराया जाता है। अगला हमारा, हाल ही में DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी मिसाइल के थलीय संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। तो यहाँ पे कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस। आपको याद होगा अभी क्वेश्चन आया था कि ब्रह्मोस मिसाइल किसकी सहायता से मिलकर बनाया गया है, तो ये बनाया गया था रशिया की सहायता से। लेकिन इसमें देखिए क्या है, स्वदेशी है, ये स्वदेशी इसको विकसित किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। कहाँ पे इसका टेस्ट किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसका टेस्ट किया गया है। ठीक है, ब्रह्मोस की बात करें तो यह एक मध्यम रेंज की सुपरसोनिक मिसाइल है, जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि क्या है, इससे पनडुब्बी, समुद्री जहाज, लड़ाकू विमान व जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा, भारत सहित कितने देशों ने ऑनलाइन फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? अब फेक न्यूज़ की बात आई है तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, 2018 में मैंने पढ़ा था आपको कि सबसे पहले फेक न्यूज़ को अपराध की श्रेणी में लाने वाला कौन सा देश था? तो मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर ने ऐसा किया है। तो अभी यहाँ पे 20 ऐसे देश हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किया कि यदि अब कोई फेक न्यूज़ फैलाएगा तो उसको दंड दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये भी याद रखेगी, मलेशिया में फेक न्यूज़ पर 85 लाख रुपए का जुर्माना और 6 साल की जेल हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा, स्पेन और किस देश की सरकारों के नेतृत्व में WHO ने स्वच्छ वायु गठबंधन कार्यक्रम शुरू कर रहा है? अच्छा, स्वच्छ वायु की बात आई है तो वायु में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे हम लोग जानते हैं, पर्टिकुलेट मैटर। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यह वायु प्रदूषण से संबंधित है। और अभी आपको पता होना चाहिए कि गुजरात के सूरत में अब इसका भी व्यवसाय किया जाएगा, मतलब जहाँ भी पर्टिकुलेट मैटर, जैसे कार्बन का उत्सर्जन होता है तो कार्बन टैक्स लोग देते हैं, उसी तरह पर्टिकुलेट मैटर का भी व्यापार किया जाएगा। फिलहाल ये स्पेन और पेरू ने मिलकर इस तरह का गठबंधन बनाया है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा, अब हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? पंडित जसराज के नाम पर। उसके बाद हमारा कि सारा टेलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश से बिलोंग करती हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यटन के क्षेत्र में ओवरऑल ग्रोथ के लिए किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? इसको जीता है आंध्र प्रदेश ने। फिर हमारा कि बाफ्टा अवार्ड के लिए किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? रियल कश्मीरी FC को नॉमिनेट किया गया है।
फिर हमारा कि विश्व रेबीज दिवस की थीम क्या थी, तो हमारा है रेबीज समाप्त करने के लिए टीकाकरण, और इसके टीके की खोज किसने किया है, लुई पाश्चर ने किया है। उसके बाद हमारा कि 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल जीतने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है, फ्रेजर प्राइस बनी है। नेक्स्ट हमारा कि नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में नंबर 1 पे कौन है, केरल, और लास्ट पे कौन है, यूपी है, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा कि अंडर 18 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है, भारत ने जीता है और बांग्लादेश को हरा करके जीता है। नेक्स्ट हमारा किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जॉक सिराक, जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, फ्रांस के थे। यहाँ पे मैंने केरल वाला क्वेश्चन आपको बताया था कि पुलिस ने इंटरनेट की डार्क नेट जैसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर को सक्षम करने के लिए एक अत्याधुनिक लैब की स्थापना कहाँ पर हुई है, तो केरल में। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन सी कॉफ़ी की 5 किस्में हैं जिनको GI टैग दिया गया, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आपकी टेट की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो डेली का डेली इसको देखते चलिए, इसमें आपका एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे आप कहीं क्लास करते हैं या फिर उससे भी बेटर चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर भी अपडेट किया जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।